कहानी सा जमा करनी। वेलकम बैक टू माय व्लॉग 8। और ये व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, अपन चलने वाले जोधपुर। अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ है, मतलब कल निकलेंगे मॉर्निंग में, अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ है कि कौन कौन जाने वाले हैं। तो वो मॉर्निंग में ही डिसाइड होगा कि कौन कौन जाने वाले हैं। तो मिलते हैं अपन। सो ऑल सेट है और अभी तक डिसाइड हुआ है मेरे और मम्मी के जाने का। तो मॉर्निंग तक और नाइट में देखते हैं, एक दो जने और बढ़ता है तो फिर मॉर्निंग में मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी। सो मिलते हैं मॉर्निंग में। जी हमा करनी सा गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो चुके हैं, 3 बजे निकलना था, वही 3 बजे लेट लतीफ हूँ मैं, पता नहीं क्यों। और कोई उठाता भी नहीं है, 4:30 बज चुके हैं वहाँ पे। मैं मतलब 11, 11:30, 12 बजे पहुँचना था लेकिन पॉसिबल नहीं है, हम लोग लेट हो चुके हैं बहुत। तो और फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग कौन जाने वाले हैं। मैं, मम्मी, रवि और मोनू का जाने का था, बट यहाँ शॉप के लिए उसको रुकना पड़ रहा है। तो अब बेबू हमारे साथ जा रहे हैं तो हम वहीं से फिर रवाना होंगे। अब हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अब नहाए धोए कुछ भी नहीं है, मम्मा को जो अभी उठाया, मम्मा चाय बना रहे हैं, चाय पी के हम लोग निकलेंगे जस्ट। चलो सो घर से तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी वहाँ घर जा रहे हैं और वहीं से हम लोग फिर सॉरी जैसे मैं जोधपुर के लिए निकलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। ये हमारे बालाजी जो कि रास्ते में पड़ते हैं, जिसके हम जब भी जाते तब दर्शन करते हैं। तो ये बालाजी महाराज, हमारी यात्रा मंगलमय हो और सही सलामत जाके पीछे घर पे आ जाए। जय बालाजी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज। पेट्रोल पेट्रोल। मोनू मेरे को मारी क्यों? हाँ सुन लो अनीता मैम, मेरे को पैसे देने दे रहे हैं ये आपको। आप बोले थे ना कि है ना बेबू पैसे देगी, देखो मेरे वाले में से पैसे दे रहे हैं, आप डांटा ना इनको, है ना। ऑल सेट है हम लोग। अपन कहाँ गए अपन? जोबनेर। हम लोग जोबनेर होते हुए जा रहे हैं, टंकी फुल करवा रहे हैं। सो अभी फाइनली अभी जोधपुर है 173 और इतने दूर के बाद में हमें एक होटल मिला है, रेस्टोरेंट मिला है। यहाँ पे हम लोग चाय और नाश्ते, मम्मी देख रहे हैं कैसे देख रही है यहाँ पे इतनी देर के बाद में मतलब हम लोग चाय और नाश्ता करने वाले हैं। खाली बंजर जगह में हम दादू, मम्मी, बेबो और मैं। अपन को लगता है ना मम्मी पापा अपन से बहुत बड़े होते हैं, बचपना अपने अंदर होता है, मम्मी पापा में बचपना नहीं होता। तो मतलब मैं बताती हूँ, मतलब मम्मी और में बचपना होता है नहीं होता, अभी देखो आप। मतलब बच्चे तो बाद में झूला खाएंगे, पहले आप लोग खा लो झूला। एक काम करो, या छोटे छोटे टावर आएंगे उनको मैं साइड में बिठा देती हूँ, आप दोनों खा लो पहले झूला, देखना दोनों के दोनों। टावर पास में खड़ा है, इसको नहीं खाने देते, दोनों के दोनों बैठी हूँ बूढ़ी। झूला को लग रही है सर्दी, लेकिन गाड़ी का कांच आपको साफ करना ही पड़ेगा भैया। की नागौर की स्पेशल केसर चाय, ये लो मम्मी। ओ तुम चाय पी रही हो, आपको इतनी सर्दी क्यों लग रही है? सुबह नहा के नहीं आया ना आज आप? चाय पीने से क्या होता है? चाय पीने से सुख शांति मिलती है। और ये तो एक नंबर चाय है, केसर चाय, नागौर की फेमस चाय, मतलब एक नंबर चाय। यस ये मेरे पोए फेवरेट है। हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, अब हमारा फाइनल स्टॉप जोधपुर ही होगा। अब अपन बीच में कहीं पे भी नहीं रुकने वाले, ठीक है? सो अब हम जोधपुर ही रुकेंगे। और यहाँ हमने चाय पी है ना, मतलब एक नंबर चाय है। कभी मतलब आप लोग जाओ नागौर से जोधपुर वाला जो वे पड़ता है ना, ये नाम है बाबा रामदेव होटल एंड रेस्टोरेंट, एक नंबर चाय है। मैंने खुद ने दो दो चाय पी है, मतलब लाजवाब है ना। बाबू चाय कैसी थी भाई? बहुत बढ़िया भाई, सब मजा। हम लोग जयपुर नहीं, सॉरी मेरे को ना जयपुर बहुत याद आता है। तो हम लोग जोधपुर आ चुके हैं। मैंने 11:29 मतलब 11:30 मैंने लोगों को यहाँ पे लेके आ गई मैं, और बीच में एक ब्रेक लिया था। तो हम लोग होटल में अभी आ गए और मेरी 1:30 की एंट्री है, ऐसा तो बोला है, मतलब फिर पता नहीं हम लोग कब जाएंगे। तो हम लोग होटल में आ चुके हैं और मैंने हम लोग 5 बजे निकले थे। 5 बजे निकलने के बाद में मम्मी के आराम देखो आप, ये हमारी मम्मी के आराम है, वापस मेरे को दिखा दो। तो लोग 11:30 बजे आ गए, तो मैं तो होगी रेडी। ये है मेरा आज के इवेंट का लुक,
और आप लोग बताने कि आप लोगों को कैसा लगा। सो एंट्री थोड़ी देर बाद में होगी, मैं रेडी पहले होगी क्योंकि मेरे को बहुत सारी फोटोज क्लिक करनी थी, बहुत सारी वीडियोज बनाने थे। तो ये मेरा आज का लुक है और हाउज इट पूरा दिखा सकते हो आप, ठीक है भैया? ये जी हमारा देखना क्या बोल जो भी बोलना मतलब मैं बहुत सारी बोर हो गई, मैं बहुत देर पहले तैयार हो गई थी, वीडियो भी बना लिए और मम्मी भी तैयार हो गई, लेकिन अभी तक हम गए नहीं वहाँ पे, तो बहुत सारे लेट हो रखे हैं। लेकिन मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। मैंने तारीफ कर दिया अभी। थैंक यू सो मच। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और मेन ये है कि मतलब ड्राइव मैंने की है और ड्राइव मैं कर रही हूँ और मैं ही सीधा जा रही हूँ वहाँ पे। सो चलो मेरे साथ। ऑल सेट है और अभी जस्ट वेट है एंट्री का, तो जस्ट कुछ ही देर में अपन एंट्री करने वाले हैं और बाकी ऑल सेट है। फेमस मिर्ची बड़े। क्या खा रहे हैं? मिर्ची बड़े। ओके, सो सबसे पहले कौन खाता है? सबसे पहले
काम करे तू दुनिया ने छोड़ परे तू जंजीरा तोड़ गिरा दे आँखों को तेज दिखा दे ना डर बस काम करे तू दुनिया ने छोड़ परे तू जंजीरा तोड़ गिरा दे आँखों को तेज दिखा दे मेरा इस देश की तन चाहूं रखूं कठन सेज की बोक कुत्ता तू बन जा शेरनी सतर लार तू बेटी मेरा इस देश की तन चाहूं रखूं कठन सेज की बोक कुत्ता तू बन जा शेरनी सतर लार कोई घूरे रह तेरी दाढ़ सुना क्यों चुप हो रही रह तेरा लार है तो करे स्टार्ट 3 2 1 सुख देनो दुख मेटनो मारी माँ करनी रोना चरण शरण ते चारणी थने पुने पुने करू प्रणाम अगर काहे केनो साचे मेरा इस देश की तन चाहूं रखूं कठन सेज की बोक कुत्ता तू बन जा फिर से एक बार रिपीट करूंगी आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे भाई मेरा जो फेवरेट और आप सभी का फेवरेट है 3 2 1 सुख देनो दुख मेटनो मारी माँ करनी रो नाम चरण शरण ते चारणी थाने पुने पुने करू प्रणाम अगौर काई केणो सा जय माँ करनी हर कुछ ना लोड लिया करे जी मैं जो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने व्लॉग पे। व्लॉग तो काफ़ी पहले मैं एंड करने वाली थी लेकिन बिल्कुल ऐसे टाइम भी नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल हम लोग मस्त हो चुके थे डांस वांस में और सारी चीज़ों में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बाकी बेस्ट इवेंट था ये वाला जो भी था वो, और जोधपुर के हमेशा इवेंट मेरे बेस्ट ही होते हैं, ये मेरा लक है और करनी वहाँ की मेहर है। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इवेंट कैसा लगा, हालाँकि मैंने पूरी कोशिश की है सब कुछ कवर करने की। सो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और बने रहिए मेरे साथ, मैं बैक टू बैक आप लोगों को जो भी मेरे व्लॉग्स रहेंगे जैसा मुझे बनाना आता है वैसा मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। थैंक यू सो मच। हर कोई ना यू ना दिया करे हर कुछ ना